बीबी जी आप आ गई। सलमा बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे बीबी जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप यकीन करें मैं आपके लिए हर वक्त दुआएं करती थी। सलमा सच पूछो तो मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है मेरे मौला का। वैसे मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए? मेरे लिए क्या खुशखबरी है? पाए तो बताती हूँ आपको। चलो शुक्र है, ये तो तसल्ली हो गई कि फायदा इसी शहर में है और खैरियत से। लेकिन उसकी हालत देखकर अंदाजा हुआ कि वो काफी परेशानी में। और तमन्ना बेगम कहती हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है। किसी के साथ भागने वाली लड़कियों की ऐसी हालत नहीं होती। ये लीजिए चाय। क्या बात है सुल्तान, आप जब से आए ऐसी खामोश बैठे में, कोई परेशानी है क्या? तमन्ना बेगम, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। आज मैंने फायजा ओ हो सुल्तान प्लीज, ये आपने कोई चिड़ बना ली है मेरी, जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं सुनना चाहती। किसी ना किसी बहाने आप उसी का जिक्र निकाल लेते हैं। छोड़ दीजिए अब उसका पीछा। तमन्ना बेगम, तुम फायजा के नाम से जितना मर्जी चिढ़ो, मैं उसे तलाश करके इस घर में वापस जरूर लाऊंगा। तुम सोच नहीं सकती इसको लाकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझे। जानती हूँ बीबी जी, माँ के लिए औलाद से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। लेकिन तुम इसे यहाँ पर लेकर आई हो, अगर घर में किसी को पता चल गया तो? इस मौसम को कौन पूछेगा। हाँ तो ये किसी को पता भी नहीं होता कि इसने दूध भी पिया है कि नहीं। क्या मतलब है, अशर का वहां कोई ख्याल नहीं रखता? किंजा बीबी जब से इन्हें छोड़ कर गई है तब से बिन माँ का हो गया है। बेगम साहिबा का तो आपको पता है कि वो सारे दिन घर पे होती नहीं, और जारा बीबी को तो एक लम्हे के लिए नहीं भाता ये। मेरा बच्चा भी मेरी तरह का नसीब लेकर आया, सबने 2 दिन दिल लगाया और फिर उसे छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ किंजा को ये सब करके? जैन से अपनी इतनी बड़ी कमजोरी छुपाई, मेरी गोद भी खाली, मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। बीबी जी, किंजा बीबी ने आपके साथ बहुत बुरा किया। देखे ना, तब तो उनके सामने आया है कि वो जैन साहब के साथ में खुश नहीं रह सके। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी किंजा को बददुआ नहीं दी, कभी भी नहीं। सबर तो किया है ना। अच्छा बीबी जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं इसे छुपा के लेकर आई हूँ ना, मुझे वैसे ही पापा को छोड़ के आना होगा ताकि किसी को शक ना हो। खैर, आप जब तक अपने बच्चे के साथ खेलें, मैं तब तक अपना काम खत्म कर लूं।